गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों क्या आपने भारत का स्कॉटलैंड देखा है? नहीं देखा तो अभी दिखाती हूँ इसी वीडियो में, और साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है, आप स्टे कहाँ कर सकते हैं, आपको यहाँ खाने की क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए, और इसके साथ ही अंत में वीडियो के ये भी बताऊंगी कि कुर्ग विजिट करने में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी कुर्ग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको कुर्ग पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों कुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है, और आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जो नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट पड़ेगा वो होगा मैंगलोर का, जो कि कुर्ग से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो होगा बैंगलोर का, जो कि कुर्ग से करीब 265 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ के बस स्टैंड जाके यहाँ से बस लेनी होगी कुर्ग तक के लिए, और आपको यहाँ डायरेक्ट बस मिल जाएगी कुर्ग तक के लिए, जो कि आपको 5 से 6 घंटे में कुर्ग पहुँचा देगी। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कुर्ग का निकटतम रेलवे स्टेशन मैसूर रेलवे स्टेशन है, जो कि कुर्ग से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैसूर रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या बस के माध्यम से कुर्ग आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका करीब 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। और दोस्तों अगर आप बस से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कुर्ग सड़क मार्ग के माध्यम से दक्षिण भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप मैसूर, बैंगलोर या मैंगलोर जैसे शहरों से कुर्ग तक के लिए आसानी से बस पकड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों कुर्ग पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल मदिकेरी फोर्ट के आसपास देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको होटल और खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप अपना होटल मदिकेरी फोर्ट के आसपास लेते हैं तो आपको घूमने फिरने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और दोस्तों बात करेंगे हम इनके कॉस्ट की, तो 1000 से स्टार्टिंग करके आपको 1500-2000 तक के बीच यहाँ आराम से होटल्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार अपने होटल का चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ पे इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन और तिब्बतीयन फूड का स्वाद चखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ का सी फूड काफी ज्यादा फेमस है, तो आप उसका भी मजा ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप यहाँ बांस के अचार का स्वाद भी चख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ घूमने के लिए आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 800 से 1500 के बीच पड़ जाएगी, और पेट्रोल इसमें आपको खुद से पड़वाना होगा। अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जा सकते हैं राजा सीट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत उद्यान है। और दोस्तों आप यहाँ पे खूबसूरत फूलों और कृत्रिम रूप से तैयार किए गए फव्वारों के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत व्यू पॉइंट का भी मजा ले सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ सनराइज और सनसेट का भी दिलकश नजारा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस पार्क की एंट्री फीस 10 रुपए है। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि कुर्ग हिल स्टेशन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है और पर्यटकों की आस्था का एक केंद्र है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण सन 1820 में किया गया था, और इस मंदिर में इस्लामिक और गोथिक वास्तुकला को प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और बात करें अगर मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, और 12 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ये मंदिर दोबारा खोल दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद आप मदिकेरी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विजिट कर सकते हैं एबी फॉल्स, जो कि कुर्ग हिल स्टेशन के प्रमुख आकर्षण में शामिल है। और दोस्तों यहाँ 70 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी को देखकर आप डेफिनेटली यहाँ एंजॉय करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ के आसपास के प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम इस वाटरफॉल की टाइमिंग की, तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप मदिकेरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं चेताली, जो कि एक छोटा सा गांव है, जो कि मदिकेरी सिद्धापुर रोड पर स्थित है। और दोस्तों चेताली अपने हरे भरे नजारों और चारों ओर फैलने वाले धुंध के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ चेरला भगवती मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। और दोस्तों इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं ताल कावेरी, जो कि मदिकेरी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों ताल कावेरी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के भागक मंडल के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर कावेरी नदी के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों आप यहां पे ताल कावेरी मंदिर विजिट कर सकते हैं, जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1276 मीटर की है, तो आपको यहां से काफी शानदार व्यू पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं कोपट्टी ट्रैकिंग पॉइंट, जो कि मदिकेरी से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये कुर्ग हिल स्टेशन का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग पॉइंट है, और इसकी ट्रैकिंग भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो आप इसे बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। और आपको यहाँ की ट्रैकिंग में देखने को मिल जाएंगे यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, शांतिपूर्ण नदियाँ और आकर्षक घने जंगल।
और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं दुबारे, जो कि मदिकेरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आप यहाँ मजा ले सकते हैं एलिफेंट कैंप का, और इसके साथ ही आप यहाँ रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की है, और इसके बाद फिर शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ के एंट्री फी की, तो 20 रुपए दे करके आप यहाँ से बोट से मेन कैंप तक जा सकते हैं। और दोस्तों मेन कैंप में पहुँच के अगर आप वहाँ पे कुछ एलिफेंट फन एक्टिविटीज एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको 800 रुपए पड़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद आप दोबारे एलिफेंट कैंप से 7 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं चिकली होल डैम। और दोस्तों अब कुर्ग घूमने के बाद अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आप यहाँ से अपने लिए कॉफी, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, हनी, होममेड वाइन्स और हैंडमेड चॉकलेट्स के साथ साथ सिल्क साड़ीज और गोल्ड ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको यहाँ के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 2 से 3 दिन आपके कुर्ग विजिट के लिए पर्याप्त रहेंगे, और यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय सितंबर से जून का माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ ट्रैकिंग का मजा लेने के लिए आना चाहते हैं, तो आपको अक्टूबर से मार्च के बीच आना चाहिए, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो कुर्ग के 2 दिन के ट्रिप का खर्चा ऑन एन एवरेज आपको 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक का आ जाएगा, और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी प्लेस घूमना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ भी डायरेक्टली अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।